अभी चल रहा है फेब का महीना, और इस महीने में बेसिकली जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है वो मुगल गार्डन है वो ओपन होता है, जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है। और वहाँ पर बहुत सारे जो है वो फ्लावर होते हैं जो बहुत बहुत दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो इस ब्लॉग में मैं भी आपको वही फ्लावर्स दिखाने वाला हूँ। बेसिकली हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, और वहाँ पर जो एक साल के बाद जो मुगल गार्डन ओपन होता है, जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं वो देखने मिलते हैं। तो हम मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ पूरा, जो कि आपको देखने मिलेगा इसी वीडियो में। तो हम जो है वो जा रहे हैं मेट्रो से, तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है, कैसा हमें वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी हम चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं मुगल गार्डन। अगर आप दिल्ली में हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेट्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं प्रेफर करता हूँ मेट्रो से सफ़र करना। तो फिलहाल अभी हम बस से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मेट्रो से, और मैं हूँ न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पे और बढ़ रहा हूँ गार्डन की ओर। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में भाई साहब भी जा रहे हैं। हेलो गाइस, इनका नाम रईस है। गाइज अभी आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, मुगल गार्डन बेसिकली बोलते हैं यहाँ पर, और राष्ट्रपति भवन आप सबको पता ही है क्या है। तो एक बिग आपको सजेशन है मेरी तरफ से, यहाँ थोड़ा क्राउड है, यहाँ चल के बोलता हूँ। तो अगर आप मुगल गार्डन आ रहे हैं तो बैग तो बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ बैग लाने पे बैन है अंदर, और बैग की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है, चार पांच लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पर आपको, और बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मैं ले आया था बैग तो मुझे पता है कि मुझ पर क्या हुआ है। तो फिलहाल अभी हम घूमते हैं पूरा मुगल गार्डन। तो यहाँ धीरे धीरे एंट्री ले ली हम लोगों ने, और यहाँ से सीधे जो दिख रहा है आपको हमारे इंडिया का फ्लैग है जो सामने, ये है राष्ट्रपति भवन। और अभी हम जो फ्लावर हैं वो देखने वाले हैं, और काफी ज्यादा क्राउड है यहाँ पर।
तो दोस्तों अभी मुगल गार्डन से तो हम आ चुके हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वहां कैमरा भी अलाउ नहीं था, तो फोन से जितनी वीडियो शूट की हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दी और होप कि आपको वो पसंद आई होंगी। तो अभी हूँ मैं सीपी, यहाँ पर ये ऊंचा सा झंडा लगा रखा है, यहाँ की मेन निशानी है ये, पीछे लगा हुआ है ये। तो यहाँ बेसिकली हम लोग आए हुए हैं और काफी यहाँ पर क्राउड है, पीछे यहाँ फंक्शन भी हो रहा है, कुछ यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पर। सो इस वीडियो को अभी हम यहीं एंड करते हैं, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।